हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे पार्टनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज वही प्रीवियस वीडियो जो था मेरा बौद्ध धर्म का, उसमें कुछ टॉपिक्स मेरा बचा हुआ था जिसमें बौद्धिस्ट काउंसिल था, बौद्ध संगति, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। बाय द वे, उस वीडियो में जो चीजें बता रखा हूँ उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो बौद्ध धर्म का आपको एक डिटेल में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फिर उनकी जो उनकी शिक्षाएं थी उसके बारे में था, और उनके लाइफ हिस्ट्री बहुत अच्छे से था। एक बार आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो लगभग 20 मिनट का वीडियो है और काफी डिटेल में है। बौद्ध धर्म की उसमें पूरी चीजें मैं एक साथ लाने की कोशिश किया था, और ये टॉपिक छूटने का रीजन नहीं था क्योंकि इसमें भी अभी मुझे दो तीन चीज इंक्लूड करना था, जैसे कि बौद्ध संगति, और इसमें 5 बौद्ध संगतियां हैं जिसमें से दूसरे और चौथे में फिर उनका जो डिवीजन होता है हीनयान और महायान का, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एक कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कोर्स मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ खास चीज नहीं थी इसमें, लेकिन ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अक्सर बौद्ध संगति से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि कौन से बौद्ध संगति में कौन सा शासक था, या फिर अध्यक्ष कौन था, कौन से प्लेस पे हुआ है। तो आपके इस कोर्स में वो चीजें हिडन है, उसको बस बाहर निकालने की जरूरत है थोड़ा सा। तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिससे सभी तक एक वीडियो पहुंच सके। और बहुत सारी बातें मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूं, तो प्लीज आप उन सभी वीडियो को देखिए, कहीं ना कहीं नॉलेजफुल होता है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देता रहता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से फॉर्म आ रहा है, ये सब डिटेल में। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, बौद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। राजा महाराजा आजा वैश्या सबका काल है, पीटो मत अशोक कुंडल वसुमित्र कंगाल है, ठीक है। इसको हम लोग अब थोड़ा वेरीफाई करते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, हर एक मतलब कामा के बाद जो तीन तीन वर्ड लिखे गए हैं उसमें जो पहला वर्ड है वो मेरा स्थान से है, ठीक है, क्या है, प्लेस से। और सेकेंड वाला जो प्लेस है वो आपका है अध्यक्ष, और लास्ट थर्ड जो है वो आपका है शासक से, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। तो चलिए मैं इसका एब्रिविएशन करता हूं। जो यहां पे राजा है इसका एब्रिविएशन है आपका राजगृह। आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है बाय द वे, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप उसको मेरे वॉइस पे कमांड की ध्यान दीजिएगा। तो राजगृह, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन लेती है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ था, राजगृह में। महाराजा से निकल के आता है आपका महाकश्यप, क्या निकल के आता है, अध्यक्ष, महाकश्यप, ठीक है। और आजा, आजा क्या है, शासक है, शासक से क्या निकल के आता है मेरा, अजात शत्रु, ठीक है। ये तीन चीजें रिलेटेड है इससे, फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल से, ठीक है। अब मैं दूसरे की बात करता हूं, देखिए दूसरा क्या है, वैश्या सबका काल है। वैश्या से हमें वैशाली से है, वैशाली से है, ठीक है। और यहां पे सबका से सर्वकामी, क्या नाम है इसका, सॉरी शासक में नहीं, अध्यक्ष में, सर्व कामी, ठीक है। सर्व कामी कौन था, अध्यक्ष था, और कहां हुआ था, वैशाली में, शासक। काल से आपका काला शोक, काला शोक, ठीक है। ये तीन चीजें आपको सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल से मिलेगा, ये वाली लाइन से। अब बात करते हैं हम ये थर्ड, ठीक है। ऐसे एक्चुअली के बौद्ध काउंसिल 5 है, लेकिन 4 ज्यादा फेमस है, अक्सर लोग 4 की बात करते हैं, 5वां जो है उसको हर्षवर्धन के समय में हुआ था, लेकिन हम मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल दूंगा जितना भी मेरे पास होगा। तो तीसरा जो है पीटो मत अशोक, एक्चुअली ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा नीचे दिखाई नहीं दे रहा। तो यहां से पी से पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र के अशोक बिहार में हुआ था।
पाटलिपुत्र और मत से है इसका नाम मोगली से, ठीक है। ये अध्याय था थर्ड में और जो शासक था वो अशोक, यहां पे लिखा हुआ है एजिटीज, अब उसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपका थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल है और आपका जो तीसरा चौथा है, अब उसकी तरफ चलते हैं हम लोग, कुंडल। तो पहला इस कुंडल मतलब कुंडल वंश है जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, कुंडल वन बिहार। एक्चुअली बिहार वर्ड में इसलिए बार बार यूज करूंगा सब में क्योंकि बौद्ध धर्म का एक मतलब पार्टिकुलर प्लेस है बिहार, जहां पे लोग अपना लोग काउंसिल क्या करते थे, वसुमित्र, ठीक है। वसुमित्र क्या है इनका, ये भी एडजेक्टिव उतार दीजिए, वसुमित्र अध्यक्ष है और कंगाल से आपका कनिष्क, ठीक है, कनिष्क जो है शासक था। तो इस तरीके से चार हो गए। पांचवा जो भेनसांग अध्यक्ष था और हर्षवर्धन के समय में हुआ था, आप उसको ऐसे सुन लीजिए। तो इस तरीके से चार है, मैं इसका संधि आपको बता देता हूं। तो जो पहला बहुत संधि हुआ था वो गौतम बुद्ध, इस धर्म के संस्थापक है, उनकी मृत्यु के जस्ट बाद कितने में, 483 BC में, ठीक है। सेकंड जो हुआ था इसी के 100 साल बाद, एक्चुअली बौद्ध संगति का क्या था कि जब बौद्ध संगति आया इसलिए था क्योंकि लगता था कि बौद्ध धर्म पतन की ओर है तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिसी में चेंजेस ना हो, इन सब चीजों को, जैसे होता नहीं है कि मीटिंग कर लो, थोड़ा मीटिंग में हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे तो चीजें अपना मैनेज कर लेंगे, ये चीजें चेंजेस होना चाहिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए। तो मतलब इधर से एक सम्मेलन था जिसमें ये लोग धर्म के ऊपर बात करते थे, अपने बौद्ध धर्म में क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों पे। तो इसका जो पीरियड रखा गया था 100 ईयर्स रखा गया था। बाय द वे जरूरी नहीं है कि सब 100 साल के डिफरेंसेस पे हुए, बाद में चेंजेस आ जाता है, नहीं भी होता है। तो ये दूसरा जो होता है वो 100 साल बाद ही होता है क्योंकि ये फर्स्ट काउंसिल में डिसाइड किया जाता है कि हर 100 साल पे एक बार बौद्ध काउंसिल होगा, ठीक है। तो 100 साल बाद होता है तो 383 BC में हुआ था। इसके बाद जो तीसरा आपका हुआ वो हुआ 250 BC में, देखिए डिफरेंस आ गया ना, 250 BC में आपका थर्ड होता है। और जो चौथा होता है ये आपका होता है फर्स्ट शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, फर्स्ट शताब्दी ईस्वी। तो एक टाइम पीरियड था, मीन्स टाइम था कि कौन से टाइम पे कौन से बहुत काउंसिल हुआ है। चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पंचम बौद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या चीजें चेंजेस हुआ था। तो ठीक है अब मैं इसको इरेज करता हूं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम बौद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या चीजें थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बौद्ध की मृत्यु के मरणोपरांत तुरंत ही बौद्ध काउंसिल का शुभारंभ हो जाता है। तो जो बौद्ध की मृत्यु हुई 483 BC में हुआ था और अध्यक्ष मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कोटेशन में था कि महाकश्यप था और जो शासक था वो अजातशत्रु था। तो क्वेश्चन देखिए हर एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि महाकश्यप अध्यक्ष हो गया, मृत्यु कब हुई तो यहाँ पे हुई, ठीक है, और ये कौन से प्लेस पे हुआ, तो ये आपका हो गया राजगिरी, ठीक है। राजगिरी में भी कहां हुआ क्वेश्चन, तो राजगिरी में ये हुआ था आपका, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, सातकड़ी की गुफा में, ठीक है। राजगिरी में कहां पे, सातकड़ी की गुफा में, बौद्ध काउंसिल वहां पे, जहां पे 500 भिक्षु थे, ठीक है, और शासक कौन था, अजातशत्रु। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि आजाद शत्रु, मतलब क्वेश्चन ऐसे हो सकता है फॉर्मेट हो कि फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल जो शासक था वो किस राजवंश से था, ठीक है। तो आजाद शत्रु जो था वो था हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक राजवंश से था। अब मैं बात करूं, अब आजाद शत्रु का नाम आया है तो किसका लड़का था, तो ये बिंबिसार का लड़का था, ठीक है, बिंबिसार का लड़का। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया शत्रु आया है वर्ड, तो एक क्वेश्चन और बहुत फेमस फॉर्मेट हो जाता है कि सबसे पहला इतिहास में पितृ हत्या का आरोप या फिर
ब्लेम किस पे है, तो आजाद शत्रु पे ही। आजाद शत्रु ने बिंबिसार जो कि हरक वंश का संस्थापक है उसको अपने ही पिता को जान से मार दिया था, और आजाद शत्रु का लड़का होता है उदाइन, ठीक है, तो उदाइन ने फिर अजात शत्रु को मारा था। खैर ये बहुत लंबा हिस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आजाद शत्रु पहला पित्र हत्या का आरोपी है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन अगर आए तो आप लगा दीजिएगा, पहले बौद्ध काउंसिल में कितने लोग भाग लिए थे, तो 500 भिक्षु थे, ठीक है, और पहले ही बौद्ध काउंसिल काउंसिल में आपने त्रिपिटक का नाम सुना, मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो त्रिपिटक में तीन आते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो शुद्ध पिटक जो है वो किसका है, आनंद का, मतलब किसी का है नहीं एक्चुअली, इन्होंने क्या किया, कंपाइल किया, असेंबल किया है डेटा को, क्या किया, कंपाइल किया है। विनय पिटक ये कौन है, उपाली, ये दोनों ही गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य में आ जाते हैं। अगर तभी क्वेश्चन आपसे आए कि प्रिय शिष्य कौन है, तो आनंद और उपाली, ठीक है। तो जो शुद्ध पिटक है ये पहला किताब है, विनय पिटक दूसरा है, अभिधम्म पिटक तीसरा है, ठीक है। तो शुद्ध पिटक जो है इसमें आपको ब्रीफ इंट्रो आप गौतम बुद्ध के बारे में मिलेगा, ठीक है, और इनकी पॉलिसी के बारे में मिलेगा। विनय पिटक जो है वो रिलीजन आप गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म का रिलीजियस किताब, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। अब मैं द्वितीय बौद्ध काउंसिल की बात करेंगे, सेकंड बौद्ध काउंसिल का, तो ये 100 वर्ष बाद हुआ था, कब हुआ था, 383 में, 383 BC में। इसमें जो अध्यक्ष था उसका नाम था क्या, सर्वकामी, ठीक है, और इसमें जो शासक था इसका नाम था कालाशोक, ठीक है। कालाशोक एक्चुअली किस राजवंश से था, ये शिशुनाग वंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग बारे में थोड़ा सॉरी कालाशोक बारे में अगर जानते हैं, तो कालाशोक जो था बनारस का वायसराय था, बाद में इसने अपना वैशाली से पाटलिपुत्र की राजधानी बना लेता है मगध की, और फिर कालांतर तक मगध की राजधानी आपका पाटलिपुत्र ही रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें, इसमें एक चेंजेज ये आया था, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल में चेंजेज ये आया था कि यहाँ पे भिक्षु अपने स्तर पे डिवाइड होते हैं। देखिए अभी मैं हीनयान और महायान की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे भी डिवीजन हुआ था, लेकिन यहां पे बस एरिया वाइज हुआ था कि ये पश्चिमी भिक्षु हैं और ये पूर्वी भिक्षु हैं। खैर अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो इन दोनों में डिफरेंसेस भी आएंगे, दोनों के अपने अपने विचार, जो इनके स्कॉलर्स हुआ करते थे वो कुछ दूसरा, जैसे कि अगर पूर्वी स्कॉलर्स की बात करें या पश्चिमी स्कॉलर्स की बात करें, तो उन लोगों की अपनी एक मेंटेलिटी बौद्धिस्ट रिलीजन को लेके चेंजेस थी, तो आखिर बटे तो कोई ना कोई चेंजेस तो हुआ ही होगा। लेकिन बस यहाँ पे ये है कि अगर कभी क्वेश्चन आपका द्वितीय बौद्ध संगति से ऐसे आए सिंपली कि द्वितीय बौद्ध संगति में कैसे बंटवारा हुआ, तो पश्चिमी और पूर्वी के नाम पे हो गया था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो पीरियड है, जो टाइम है, वो है आपका 250 BC, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है वो मोगलीपुतस्य, ठीक है, ये आपका इसका अध्यक्ष है, और अशोक इसका शासक था, अशोक के शासन काल में हुआ है, और अशोक किस राजवंश का था, तो ये मौर्य राजवंश का था, ठीक है, मौर्य राजवंश का, ठीक है। और ये जो तृतीय बौद्ध संगति है ये कहां पे हुआ था आपका, तो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में भी कहां पूछे तो अशोक विहार, ठीक है, अशोक विहार। और फिर हम बात करेंगे अशोक के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो अशोक मौर्य वंश का बहुत ही फेमस शासक था, और इनके पिताजी जो थे वो बिंदुसार थे। देखिए यहां पे इनके पिता जो है वो बिंदुसार है, देखिए लोग कंफ्यूजन कहां पे होता है, बिंबिसार जो है भारतीय राजवंश का शासक है, इवन वही उसने फाउंडर ऑफ हरियत वंश भी है, ठीक है, लेकिन जो अशोक के पिता है वो बिंदुसार है, बिंबिसार नहीं बिंदुसार, तो ये डिफरेंस है। और अशोक जो था वो समझ लीजिए कि बौद्ध का जो है क्या बोलते हैं फैलाव है, विस्तार है, बौद्ध धर्म का जो कई देशों में जो फैलाव विस्तार है, सबसे ज्यादा क्रेडिट अशोक को ही जाता है। इन्होंने अपनी बेटी और संगमित्रा और महेंद्र को भी मतलब लगा दिया था फैलाव विस्तार में। फिर उसके बाद थर्ड काउंसिल में ही आता है अभिधम्म पिटक, जैसा कि मैंने बताया कि त्रिपिटक थे, त्रिपिटक के तीन भाग थे, तो जो लास्ट में अभिधम्म पिटक था वो भी इसी में कंपाइल हुआ था तृतीय बौद्ध काउंसिल में, ठीक है।
तो ये अब मैं बात करता हूं चतुर्थ बहुत संगति का है। तो ये कब इनोग्रेट हुआ, तो ये फर्स्ट शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? कुंडलवल बिहार, ठीक है। कहां पे? तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर और उस समय के लिए कश्मीर, ठीक है। और शासन काल किसका था? तो कनिष्क का, ठीक है। ये कुषाण राजवंश का, ठीक है। उसको नोट करते चलिए। वसुमित्र अध्यक्ष, ठीक है। और यहाँ एक फोर्थ बौद्धिक काउंसिल में एक और चीज है कि यहाँ पे उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष उसका नाम नोट कर लीजिए अश्वतोष। कभी अगर क्वेश्चन आता है कि फोर्थ बौद्धिक काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वतोष, और अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए संस्कृत अभी तक जो विनय पीठक त्रिपीठक था उसमें शुद्ध पीठक और जो विनय पीठक था वो दोनों के दोनों लैंग्वेज क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप नोट कर लीजिए। शुद्ध पीठक और विनय पीठक का जो लैंग्वेज है वो पाली भाषा है, ठीक है। और ऐसे भी बौद्ध धर्म का मैक्सिमम जो स्टार्टिंग लैंग्वेज रिलेटेड है इस रिलीजन से पाली ही है। लेकिन फोर्थ चौथे बौद्ध संगति में आके इन्होंने संस्कृत को स्वीकार कर लिया, ठीक है। संस्कृत को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत को कब स्वीकार किया, तो चौथे बौद्ध संगति में। ऐसा चौथे बौद्ध संगति में परिवर्तन बहुत सारे आए हैं, अभी हम बात करेंगे। और यहीं पर एक बुक है विभाषा शास्त्र, ठीक है, इसको भी वसुमित्र ने ही लिखा है, ठीक है, जो कि चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही लिखा है। और इस किताब के नाम से और जाना जाता है ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ बौद्धिस्ट, ठीक है, ग्लोबल डिक्शनरी ऑफ बौद्धिस्ट। यहां पे मैं एक वर्ड लिखा हूं हीनयान और दूसरा वर्ड लिखा हूं महायान, ठीक है। थोड़ा इरेज कर देते हैं तो इसके बाद थोड़ा डिटेल से समझेंगे। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं उतना डीप भी नहीं जा रहा हूं लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन यूं मिलेगा कि हीनयान महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय किस बौद्ध संगति में डिवाइड हुए, तो चौथे बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान महायान दो संप्रदाय बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है, ठीक है। हीनयान का मतलब था निम्न मार्ग वाले, महायान का मतलब था उत्कृष्ट मार्ग वाले। इन लोग ट्रेडिशनली मतलब परंपरावादी और रूढ़िवादी थे, हीनयान वाले, ठीक है। ये क्या थे? ट्रेडिशनली थे, मतलब परंपरावादी आप बोल सकते हैं, परंपरावादी। और महायान क्या थे? अवेंडमेंट के साथ, बदलाव परिवर्तन के साथ बौद्ध को अपनाया, ये बेसिक डिफरेंस था। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, कौन मूर्ति पूजा, कौन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन यहां से एक्चुअली वन डे एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो बस इतनी चीजें आपके लिए काफी है। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक मे भी अगर इस रिलीजन से रिलेटेड होगा तो मैं महायान और हीनयान को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको जरूरत होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि नहीं कंटिन्यू वीडियो इस टॉपिक से और जो भी रिलेटेड है हम उसको पूरा कर दीजिए। फिर इसके बाद मेरा इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, फिर जैनिज्म है, तो हम कंटिन्यू अपने वीडियोज को लाते रहेंगे। बेहतर होगा कि आप प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन को आप अपना कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू।